वहीं मिर्जापुर दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य है, जहां इस दौरे के दौरान कई कार्यक्रमों में वो शिरकत करते नजर आएंगे। इसके अलावा कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी उन्हें करना होगा, जहां वो कार्यकर्ताओं से भी कई मुद्दों पर बातचीत करते दिखाई देंगे। तो कई कार्यक्रम आज रखे गए हैं मिर्जापुर के दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के। इन कार्यक्रमों में शिरकत करने के अलावा कई परियोजनाओं का वो लोकार्पण शिलान्यास करते दिखाई देंगे। यही नहीं, कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात का उनका कार्यक्रम तय किया गया है, जिसमें कई मुद्दों पर वो चर्चा करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ताओं से। चंदन गोस्वामी हमारे साथ संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आज का मिर्जापुर का डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ये दौरा किन किन मायनों में खास, चंदन? जी शिल्पा, मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री जी का जो आज दौरा है मिर्जापुर का, वो इस तरीके से है कि आज मंडल की लोनीवी निर्माण निगम और सेतु निगम विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, और उसके बाद ये सभी अपने अधिकारियों से और अपने जो भी इनके विभागीय के लोग हैं उनके साथ बैठक करेंगे। प्रेस वार्ता में इन्होंने बोला है, अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने प्रेस वार्ता किया है, हाँ? तो उन्होंने तमाम प्रकार की चीजों के बारे में बोला है कि जैसे विपक्ष जो है वो भ्रम फैला रहा है हर चीजों को लेकर कि क्या नाम है कि जो भी मतलब जो नाना प्रकार के भ्रम जो फैला रहा है, ठीक है, तो इन्हीं सब चीजों को लेकर, इन मुद्दों को लेकर इन्होंने सारा कुछ प्रतिक्रिया दिया है। चंदन, कितने बजे वहां पहुंचेंगे और कितनी देर का तकरीबन आज का उनका पूरा कार्यक्रम वहां पर तय किया गया? लगभग शिल्पा जी, इनका सारा कार्यक्रम मेरे ख्याल से 4.5 घंटे का है, हाँ? मिर्जापुर जिले में, ठीक है, जिनमें अभी मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, अब ये आएंगे माँ विंध्यवासिनी जी का दर्शन करेंगे, ठीक है, उसके बाद तत्पश्चात वो वापस होंगे, उसके बाद फिर उन्हें परियोजना का स्थलीय निरीक्षण भी करना होगा। जी जी जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी, इसके ऊपर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।